हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती फैशन। आज हम आपको 2-in-1 मास्क बनाना बताएंगे। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसकी लंबाई 13.5 इंच दो पॉइंट है और इसकी चौड़ाई 5 इंच दो पॉइंट है। हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 5 इंच पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे और इधर से 5.5 इंच पे हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सीधा कर लेंगे। फिर 1 इंच पे हम किनारे पे दाग लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड। इसके बाद नीचे की इस लाइन को हम डॉट डॉट करके सीधा कर लेंगे और फिर उस लाइन से ऊपर की ओर 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस 1 इंच के निशान से हम ऊपर की साइड 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये सेंटर है। सेंटर से हमें ऐसे सर्कल के शेप में निशान को मिलाना है, ये देखिए। और फिर इस निशान को मैं ऐसे इस तरीके से मिला दूंगी। ऊपर की साइड भी हमें थोड़ा सर्कल शेप में निशान लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। ये जो है पूरा मास्क का लुक आ गया है। हम इसको कट कर लेते हैं। ये दो पीसेस कट हो चुके हैं, हमें दो पीसेस और कट करने हैं। मैं दो पीसेस इस कलर के कपड़े से कट करूंगी। ये देखिए चारों पीस जो है वो कट हो गए हैं, दो ग्रे कलर के और दो ग्रीन कलर के। तो एक ग्रे और एक ग्रीन कलर के कपड़े को मैं स्टिच करूंगी। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम बाकी के दो पीसेस को लेंगे और ये देखिए इस तरीके से हमें दूसरे पीस के ऊपर सिले हुए पीस को रखना है। ये ग्रे कलर के कपड़े को हम ऊपर में रखेंगे और फिर हम इसमें स्टिच कर लेंगे। ये देखिए सिलाई पूरी हो गई है। अब हम इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, धागे को कट नहीं करना है हमें। अब हम मास्क को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से बन के आया है। ये देखिए मास्क की सिलाई जो है हो गई है। अब हम इसके किनारों को फोल्ड करते हैं। दोनों साइड के किनारों को हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बराबर से फोल्ड होने के बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये पतली वाली इलास्टिक मैं इसमें लगा रही हूँ। ये देखिए 2-in-1 मास्क हमारा बनके तैयार हो गया है। ये एक साइड ग्रे कलर का आएगा और एक साइड ग्रीन कलर का आएगा, ये देखिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।